कोनिचीवा गाइस, कैसा आप सब। क्रूकोस बास्केटबॉल के सीजन 3 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, ये सीरीज है, इसका ये आखिरी मैच होने वाला है। और मैंने डिसाइड किया था कि भाई ये जो आखिरी मैच, इसको एक साथ कंबाइन करके पूरा डालूं ताकि आपको भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। इसलिए वीडियो लाने में थोड़ा देरी हो गया, उसके लिए माफ़ी कर देना। मगर ये देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो आखिरी मैच है, सबसे ज़्यादा बेस्ट मैच होने वाला है सीरीन लोग का। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो हिगा होते हैं वो रिको के बाल काट रहा होता है। और रिको उससे पूछ रही होती है, कैसा रहा रात को, स्लीप तो अच्छा हुआ ना। और वहीं पे वो बोलता है, हाँ मुझे नींद तो काफ़ी अच्छा आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। और वहीं पे जब हमने सुबह सुबह रघुजान वालों का मैच देखा ना, तो उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे उनसे डरना चाहिए या पैनिक होना चाहिए, मुझे एकदम नॉर्मल फील हुआ, पता नहीं क्यों, मगर ऐसा ही हुआ। और वहीं पे हिगा का बाल काटना भी हो जाता है। और वहीं पे जो रिको होती है वो काफ़ी मस्त दिख रही होती है, क्योंकि उसका भी कुछ रीज़न होता है। और वहीं पे वो बताती है, आज तुमको जीत के ही आना है। और वहीं पे वो बोलता है हाँ। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टेप पे होता है वो इजकी के घर आया रहता है, और उसके घर पे खाना खा रहा होता है। और जो इजकी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे ये मेरे घर आके खाना क्यों खा रहा है। और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि कैसे करके टेपे बताते हैं कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो लोग आ तो नहीं सकते मेरे मैच के लिए, मगर वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि जो गेम में होता है वो सबके बारे में सुनने में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और वहीं पर वो बताता है कि वो तो आ नहीं पाएंगे, मगर फिर भी मैं उनको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा आज का गेम जीत के, और उनको ये वाला स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा, और चलो हम लोग एक साथ जीते ये वाला गेम। और वहीं पे जो इजगी होता है वो बोलता है हाँ। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेंच पे बैठने वाले बच्चे होते हैं सेरिन के, वो लोग भी काफी अच्छे तरीके से रेडी होते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज उनका मैच होता है। और वहीं पे जो सिंजी होता है, उसकी जो दीदी होती है वो बता रही होती है कैसे करके वो जब टेनिस खेलता था तो खाली बेंच पे बैठा हुआ रहता था और कुछ करता नहीं था, मगर फिर भी तुम जो है तुमको अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, बेंच पे बैठे हो तो क्या हो गया। और वहीं पे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहां तक आएंगे और बास्केटबॉल का चैंपियन बनेगा एक दिन वो। और जो मीतोबा की फैमिली होती है वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ आज का गेम अच्छे से जीत के आना, हम लोग ने तुम्हारे लिए एक बैनर बनाया है गो सेरिन करके, तो अच्छे से खेलना। उसके बाद अपने जो कागमी होता है वो तेत्सुआ से मिलने जाता है, जहाँ पे वो उससे सॉरी बोलता है जो भी अमेरिका में हुआ। वहीं पे जो तेत्सुआ आता है वो उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि जैसा भी हमारे बीच में हुआ, जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ी कर दो, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आगे जाके ना हम लोग एक साथ खेले, एक राइवल की तरह और साथ ही साथ एक ब्रदर की तरह, और आज के मैच में दिखा देना कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक। और वहीं पर वो बोलता है हाँ ज़रूर। और फिर हमें अपना कुरको दिखाया जाता है, जहाँ भी वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। और वहीं पे फिर वो अंदर जाते हैं और बॉल उठाते हैं और अपने मन में सोच रहा होता है कैसे करके वो पहली बार सेरिन में आया और उसने कैसे कैसे करके गेम खेले, और धीरे धीरे उन्होंने सभी लोग को हराया, और आज आखिरी दिन है एक और टीम जिनको उनको हराना है। और फिर हमें सारे लोग दिखाए जाते हैं जिन जिनके साथ अपने सेरिन ने मैच किया और उनको हराया है। और वहीं पे वो लोग सिर्फ एक मैच देखना है, रघुजान वर्सेस सेरिन, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा। वैसे हमें सेकेंड और थर्ड का तो पता है कि कौन जीतेगा, मगर हमें देर पता नहीं कि फर्स्ट कौन जीतने वाला है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग वहां पे आ रहे होते हैं एक एक करके, जिन जिनको कागमी और कुरको जानते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सेरिन वाले और रघुजान वाले कोर्ट पे आए थे, जहाँ पे कि वो लोग सिर्फ अभी वार्म अप करने आए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वहीं पे जो अपना हिगा होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है, और तभी एक बंदा पूछता है हिगा क्या हुआ, तुम उधर क्या देख रहे हो। और वहीं पे वो बताते हैं देखो उनको जरा, कैसे करके वो लोग एक दूसरे को पास कर रहे हैं और एक ही बंदे को पास कर रहे हैं, और फिर वो बास्केट कर दे रहा है। उनके जो बेसिक स्किल्स हैं वो कितनी ज़्यादा पॉलिश है, उन्होंने अभी तक एक भी बास्केट मिस नहीं किया, तो उनका जो बेसिक स्किल है कितनी ज़्यादा पॉलिश है, और उनको हराना कितना मुश्किल हो सकता है, समझ रहे हो तुम। और फिर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कौन किसको कवर करेगा। और वहीं पे एक बंदा जो कि आकाशी के पास जाता है और उसको बोलता है कि हे आकाशी तुम स्टार्टिंग में खेलने वाले हो ना। और वहीं पे वो बोलता है हाँ ज़रूर, क्योंकि हमारी टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए मुझे स्टार्टिंग से खेलना पड़ेगा, और उनको कम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सॉरी दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आकाशी और जो गुरुगो होते हैं दोनों आमने सामने होते हैं, और वहीं पे आकाशी उससे पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा आंसर मिला। और वहीं पे गुरुगो बताता है हाँ मुझे अपना आंसर मिल गया। और वहीं पे आकाशी बोलता है कि अच्छा ठीक है तो दिखा दो तुम्हारा बास्केटबॉल कैसा है। और वहीं पे वो बोलते नहीं, मैं अपना बास्केटबॉल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, मैं हमारा बास्केटबॉल तुम्हें दिखाऊंगा। और आकाशी बोलता है ठीक है सो ब्रिंग इट ऑन। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग रेडी हो जाते हैं कि हाँ उनका अभी मैच होने वाला है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो लोग कुरको के पास आते हैं जो कि बेंच पे बैठे हुए रहते हैं, और उनको बोलते हैं कि हे कुरको देखो ये हमारी तरफ से, इसमें हमारा स्पिरिट है, तो क्या तुम इसको पहन के आज खेलोगे। और वहीं पे वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, अब मेरे पास दो हो गए, एक मुगीबारा का और एक तुम लोग का। और फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि अभी रघुजान और सेरिन के बीच में मैच होने वाला है। और फिर धीरे धीरे करके सभी को इंट्रोड्यूस
किया जाता है सेरीन के प्लेयर की, एक एक करके आओ स्टेज पे और मतलब कोर्ट के ऊपर आओ, और वहीं पे उनके नाम ले लेके बुलाया जा रहा होता है। और सेम ऐसा ही राकुजान वालों के साथ भी करते हैं, उनका भी नाम ले लेके बुलाया जा रहा होता है और सभी लोग सोच रहे होते हैं भाई आज का मैच काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। और फिर सभी लोग लाइनअप कर लेते हैं और बता रहा होता है अनाउंसर कि आज विंटर कप के लिए मैच होने वाला है राकुजान और सेरीन हाई के बीच में। और वहीं पर अपना जो टेपे होता है वो जा रहा होता है जहाँ पे कि बॉल को लेना होता है, जब रेफरी बॉल फेंकता है तभी अपना खगमी आ जाता है बीच में और बोलता है कि हे टेपे क्या मैं इस बार जाऊं, क्या तुम मतलब पीछे आ सकते हो, और वहीं पे बोलता है हाँ ठीक है तुम्हारी मर्जी। और वहीं पे अपना जो कागमी होता है वो जाता है और वहीं पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे करके कागमी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है मगर वो काफी ज्यादा शांत भी है अभी के लिए। और फिर तभी जो बॉल होता है वो ऊपर की तरफ फेंका जाता है जहाँ पे कि अपना कागमी होता है वो उछल के बॉल लेता है, और वहीं पे जो बॉल होता है वो कुरुको के पास होता है, और वहीं पे जो कुरुको होता है वो एक नाइट पास काय करता है जहाँ पे कि सभी लोग बोल रहे होते हैं भाई इसने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया, ह्यूगा कैसे लेगा। और वहीं पे जो ह्यूगा होता है वो लेने ही वाला होता है और तभी उसके हाथ से बॉल टकरा के निकल जाता है, और फिर वो तब भी जैसे तैसे बॉल लेके आगे बढ़ जाता है और उछल के बास्केट करने ही वाला होता है, मगर तभी तक में जो राकुजान का बंदा होता है वो आ जाता है और हाथ लगा देता है और उसको बास्केट नहीं करने देता। और फिर जो बॉल होता है वो अपने आकर्षी के पास होता है और वहीं पर वो कटाते हुए आगे आ जाता है और अपने टीममेट को पास कर देता है जहाँ पे उसका टीममेट होता है वो उछल के बास्केट करने ही वाला होता है और बोलता है पहला बास्केट हमारा है, और वहीं पर अपना कागमी आता है और उसको रोक देता है। और तभी जो बॉल होता है वो टेपे के पास होता है और जो टेपे होता है वो बॉल लेके अपने कागमी को पास करते हैं जहाँ पे ये कागमी बॉल लेके आगे बढ़ जाता है और वहीं पे आकाशी उसके सामने आ जाता है। और अपना कागमी अपने मन में सोच रहा होता है कैसे करके कुरुको ने वो सारी स्टोरी बताई, और वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है किसकी गलती है इसमें, क्या आकाशी की या उनके टीममेट्स की, और वहीं पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है और सोच रहा होता है कोई बात नहीं ये सब छोड़ो अपना जो माइंड है वो एकदम क्लियर करो। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो कागमी होता है वो थ्री पॉइंटर से एकदम जंप ले लेता है और एकदम उछल के उसके आकाशी के ऊपर से बास्केट कर देता है, और वो भी नॉर्मल बास्केट नहीं, वो सिर्फ बॉल फेंक देता है और जो बॉल है वो एकदम बास्केट हो जाता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं कि भाई ये कागमी कर क्या रहा है, मतलब इतना स्टार्टिंग में इतना खतरनाक बास्केट। और तभी सभी लोग सोच रहे होते हैं भाई स्टार्टिंग में कौन जोन के अंदर जाता है, और वहीं पे अपना अमीन ने अपने मन में सोच रहा होता है कि वो तो मैं इसको बता दिया कैसे करके ट्रिगर कर सकते हैं और जोन के अंदर जा सकते हैं। और जो आकाशी होता है वो देख रहा होता है कैसे करके कागमी जोन के अंदर जा चुका है एकदम स्टार्टिंग में, और वो सोच रहा होता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहीं पे तभी हमें दिखाया था अपने जो कागमी होता है वो जोन के अंदर जा चुका होता है, फिर अपना कागमी दोबारा से सेम तरीके से बास्केट कर देता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं इसने दोबारा से वैसे ही करके बास्केट कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या कागमी का शुरुआत से ही जोन में जाना अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि उसको डिसएडवांटेज भी मिलेगा अगर वो एंड तक ही सर्वाइव नहीं कर पाया तो। और वहीं पर अपना जो अमीने होता है वो बोल रहा होता है वो तो पक्का है कि अपना कागमी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो जोन में नहीं रह सकता, ये ऑब्वियस वाली बात है। के बाद कागमी दोबारा से राकुजान वालों को रोक देता है और वहीं पे जो स्कोर होता है वो 0-4 होता है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, मगर तभी तक में अपनी जो रिको होती है वो बोलती है कि मितोबे रेडी हो जाओ अंदर जाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कागमी है उसका सारा स्टेमिना एक ही बार में खत्म हो जाए। फिर मितोबे को सब कर दिया जाता है कुरुको के बदले, जहाँ पे कि ये रीज़न दिया जाता है क्योंकि जो कुरुको है वो थोड़ा सा कम अच्छा है डिफेंस करने में, और वहीं पे मितोबे अच्छा है तो उसकी वजह से वो हेल्प कर पाएगा कागमी को डिफेंस करने में, जिसकी वजह से जो कागमी उसका स्टेमिना धीरे धीरे खत्म होगा। और वहीं पे कुरुको को बाहर निकाल दिया जाता है और वहीं पे ऑडियंस में से कोई तो बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कुरुको को इतनी जल्दी निकाल दिया मेरे को और देखना था उसको खेलते हुए। उसके बाद सभी सेरीन वाले डिसाइड करते हैं कि वो लोग डिफेंस करेंगे और वहीं पे अपना जो कागमी है वो ऑफेंस में जाके एकदम बास्केट करेंगे एकदम अच्छी तरीके से, और सब लोग ऐसा करते भी है जहां पे कि अपना कागमी मस्त तरीके से हर बार बास्केट किए जा रहा होता है और राकुजान वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और राकुजान के कोच को कोई तो बोलता है कि क्या हमें टाइम आउट ले लेना चाहिए, वहीं पे वो मना कर देता है और बोलता है ये अभी सही समय नहीं है। और वहीं पे जो राकुजान के प्लेयर्स होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं जब तक कागमी हम लोग बास्केट कैसे करें। तभी अपना जो आकाशी होता है वो एक प्लेयर के पास जाता है और बोलता है कि हे तुम मेरे जगह पे आ जाओ ऑफेंस पे और मैं तुम्हारी जगह आ जाऊंगा डिफेंस में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब आकाशी और जो कागमी है वो आमने सामने होते हैं और वो डिफेंस पे आ जाते हैं, और ये देखने वाली बात है कि दोनों एसेस में से कौन सा एस सबसे ज्यादा बेटर है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो इजीकी के पास होता है और वहीं पर वो सोच रहा होता है मैं किसको पास करूँगा, और वहीं पर कागमी सोच रहा होता है कि जैसे तैसे मेरे पास बॉल आ जाए मैं आकाशी को हटा के बास्केट कर दूंगा, नहीं तो अपना जो आकाशी है वो इस कोर्ट के ऊपर कंट्रोल ले लेगा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो इजीकी होता है वो तुरंत कागमी की तरफ बॉल फेंकता है। और अभी देखने वाली ये बात है कि जोन में रहने वाला बंदा और जिसके पास एम्परर आए दोनों में से बेटर कौन सा है। और वहीं पे हमें दिखाया था अपने जो कागमी उसके पास बॉल आ जाता है और वो बॉल लेके एकदम खड़ा रहता है, और तभी तक में अपना आकाशी अपना एम्परर आए इस्तेमाल करता है जहां पे कि वो धीरे धीरे करके बॉल को छू ही देता है, मगर तभी तक में अपना जो
कागमी होता है वो बॉल छीन लेता है और वापस से मतलब निकल जाता है, जिसकी वजह से अपना जो कागमी है वो बच जाता है। नहीं तो अभी तक मैं आकाशी उससे बॉल ले लेने वाला था, और वहीं पर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि कैसे करके अपने कागमी ने उससे बच के आगे निकल गया। फिर कागमी मीटर जंप लेके एकदम बॉल फेंक देता है रिंग की तरफ, जहाँ पे की जो बॉल है वो रिंग से टकरा के वापस आ जाती है। और वहीं पे अपने जो आकाशी होता है वो बोलते हैं, क्या तुम क्या लगा तुम मेरे एम्परर आई से बच गए क्या, मैंने तुम्हें जाने दिया जानबूझ करके। और ये सुन के अपना कागमी काफी ज्यादा हैरान होता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं पे जो रीको होती है वो बताती है कि जो कागमी है आकाशी के रेंज से बाहर आने के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही पास चला गया रिंग के, जिसकी वजह से उसका जो रेंज है वो छोटा हो गया और उसी वजह से वो बास्केट नहीं कर पाया, जो कि शॉट आराम से जाने वाला था वो रिंग पे टकरा गया। इसी वजह से अपना जो आकाशी है वो इसमें जीत चुका है। और सभी लोग आकाशी की अपने मन में तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई इसी वजह से आकाशी के पास एम्परर आए नहीं है, उसके पास एम्परर है इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल है, वो जिस तरीके से यूज करता है वो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल चीज है। फिर जो बॉल होता है वो आकाशी के पास होता है, जहां पे वो बॉल लेके जाता है और फिर अचानक से एक बंदा आता है स्क्रीन बनने के लिए, और जिसकी वजह से अपना आकाशी आराम से वहां से जा पाता है। और वहीं पे तभी अपना कागमी आ जाता है उसको रोकने के लिए, जहां पे कि सभी लोग सोच रहे होते हैं कि कागमी जो है उसको बड़े आराम से रोक देगा, क्योंकि किसी ने भी सेम एम्परर आई इस्तेमाल किया था जिसको अपना कागमी फेस कर पाया था वो भी यहाँ पे कर लेगा। मगर वहीं पे आउमिनो जो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर इस बार इसने इसको नहीं रोक पाया तो उनका सारा जो होप है वो टूट जाएगा, और जिसकी वजह से ये लोग शायद आज का मैच भी हार सकते हैं। और वहीं पे तभी हमें दिखाया था अपना जो आकाशी होता है वो बोलता है कि तुमने मेरा कॉपी देखा था, ओरिजिनल तुमने देखा नहीं था, तो ये लो ओरिजिनल। और वहीं पे जैसे ही अपना जो आकाशी होता है वो बॉल अपने पैर के पीछे निकालता है, जो कागमी होता है वो गिरने लगता है, और वहीं पे जो आकाशी होता है वो आगे निकल जाता है और अपना कागमी नीचे गिर जाता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं और बोल रहे थे आकाशी उससे आगे निकल गया। तभी अचानक से इजी के आ जाते हैं अपना ईगल आई इस्तेमाल करके वो बॉल को छू देता है, और वहीं पे जो बॉल होता है वो जाने ही वाला होता है हाथ से, मगर तभी तक में आकाशी जैसे तैसे मैनेज कर लेता है अपने टीममेट को पास करने में। और वहीं पे उसका जो टीममेट होता है वो बॉल लेके आगे निकल जाता है बास्केट करने के लिए, जहां पे कि टेपे आ जाता है उसको रोकने के, और वहीं पे टेपे उछल जाता है उसको रोकने के लिए, और वहीं पे वो बंदा उसके अंदर से निकल के वो जाके बॉल छोड़ देता है बास्केट के लिए। और तभी तक में अपना मीटो भी आया था और बॉल के ऊपर हाथ मार देता है, जिसको देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं भाई आखिरकार उन्होंने रोक दिया। और ये मितोबे का आना ना ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। फिर आकाशी अपने मन में सोच रहा होता है शायद मैंने सीरीन वालों को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया है, मुझे उन्हें कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। और वहीं पे जब कागमी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे मतलब डिफेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके ऑफेंस पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्या मुझे और ज्यादा अच्छे तरीके से ऑफेंस करना चाहिए, क्या मैं आकाशी को हरा भी पाऊंगा यहाँ पे। और वहीं पे तभी तक में मितोबे आता है उसके कंधे पर हाथ रखता है और सिर्फ मुंह हिलाता है, और वहीं पे सिंजी जोर से चिल्ला के बोलता है वो कह रहे हैं बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, और वहीं पे कागमी चिल्ला के बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी कागमी आगे की तरफ देखता है, जहां पे वो देखता है उसकी जो टीम है वो बॉल लेके आगे जा रही थी, और वहीं पे वो समझ आता है कि मेरी टीम है मेरे साथ और मुझे उनके ऊपर रिलाई करना चाहिए, जहां पे कि वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। और वहीं पे मोमई आउमिनो से पूछती है क्या वो दोबारा जोन से बाहर आ गया, और वहीं पे वो बोलता है हाँ वो जोन से बाहर आ गया और अपनी स्ट्रेंथ बचा रहा है। फिर वहीं पे जो मितोबे होता है वो उछल के बास्केट कर देता है, जहां पे रीको अपने मन में सोच रही होती है हमारी जो टीम है वो बिना जोन के भी काफी अच्छा खेल रही है। और वहीं पे जो कुरुको है दोबारा से सब कर दिया जाता है अंदर में, और वहीं पे जो एक बंदा होता है वो उसे टकराने वाला होता है, और तभी वो बोलता है ओ सॉरी सॉरी मैं तुमसे टकराने वाला था, और वहीं पे कुरुको बोलता है हाँ कोई बात नहीं। और तभी जो सेरिन का एक बंदा होता है जो कि बेंच पे बैठा होता है वो नोटिस करता है कि जनरली कोई भी नोटिस नहीं कर पाता अपने कुरुको को आसपास अगर वो जा रहा होता है, मगर वहीं पे ये कैसे उसको नोटिस कर लिया काफी ज्यादा अजीब सी बात है। और उसके बाद हमें दिखाया था अपने कागमी होता है उसके सामने हयामा आ जाता है, और वहीं पे वो उसको थोड़ा बहुत टीज कर जाता है, मगर वहीं पे अपना कागमी काम हो के बोल रहा था इसको जो करना है करने दो। और वहीं पे तभी कागमी के पास बॉल आता है, और तभी हमें दिखाया जाता है जो हयामा होता है वो अलग ही फॉर्म ले लेता है, जिसको देख के आउमिनो और जो एलेक्स होती है दोनों हैरान हो जाते हैं। और वहीं पे एलेक्स अपने मन में सोच रही होती है सिर्फ कागमी ही नहीं है जिसके पास एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो कागमी होता है वो बॉल लेके आगे निकलता है, मगर तभी तक में वो भी यहाँ पे आ जाता है उसको रोकने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो साइड होता है और अपना कागमी एक साइड होता है, और तभी पीछे से अपना कुरुको आता है और अपना मिरेकल पास करता है, जहाँ पे कि जो बॉल होता है वो आगे चला जाता है ह्यूगा के पास, और वहीं पे जो ह्यूगा होता है वो थ्री लेता है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो बॉल होता है वो बास्केट नहीं होता, जहाँ पे कि जो बॉल होता है वो रागुजान वालों के पास चला जाता है, और वो लोग एक दूसरे को पास करते हुए हयामा के पास पहुंचा देते हैं। और वहीं पे हयामा जो होता है अपना लाइटनिंग ड्रिबल करता है, और वहीं पे इसको देख के कागमी अपने मन में सोच रहा होता है इसने बॉल कैसे गायब कर दिया, और वहीं पे हयामा बॉल लेता है और उछल के हल्का सा बॉल छोड़ देता है और वो बास्केट हो जाता है।
फिर ह्यूका अपने कुरुको को बोलता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और वहीं पे आकाशी जो होता है वो उसको देख रहा होता है और उसको कुछ तो नोटिस होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है अपने जो कुरुको होता है वो इधर उधर मतलब बचने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो बच ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके सामने जो बंदा खड़ा रहता है वो उसको बार बार देख लेता है, और वहीं पर जो सेरिन का बंदा जो कि बेंच पर बैठा रहता है वो भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और सोच रहा होता है क्या अभी हमें क्या करना चाहिए, और वहीं पर वो अपने रीको के पास जाता है और कुछ तो बोलने वाला था, मगर तभी तक में अपने जो कुरुको होता है वो बॉल पास करता है, मगर वो जो बंदा होता है वो बॉल को बड़ी आराम से रोक लेता है और फिर हायामा के पास बॉल जाता है और वो जाके बास्केट कर देता है, और फिर वो जो बंदा होता है वो अपने ह्यूगा को बोलता है कि देखो मैंने जो देखा मैंने उसी बॉल को रोका, और वहीं पे वो समझ जाता है ह्यूगा कि भाई ये क्या चल रहा है, और तभी आकाशी बताता है कि जो कुरुको है उसने अपना सबसे बड़ा वेपन खो दिया है जो कि होता है कि लैक ऑफ प्रेजेंस, और उसने अपनी ये वाली एबिलिटी खोने की वजह से जिसकी वजह से उसके टीममेट ने उसको बड़े आराम से रोक पाया, और वो उसका कारण ही बताता है कि वो अपने कुरुको ने उसकी एबिलिटी खो दी, और वहीं पे वो बताता है कि जब से वो सेरिन में आया उसने काफी सारे नए नए मूव इस्तेमाल किए, नए नए मूव्स डिस्कवर किए जिसकी वजह से वो इसमें इतना ज्यादा घुल मिल गया था कि उसने अपने पुरानी वाली एबिलिटी खो दी है, और वहीं पे अपना जो कुरुको होता है इस वक्त दोबारा से बेकार हो चुका होता है क्योंकि उसको सभी लोग देख पा रहे होते हैं, और वहीं पे उसको दोबारा से बाहर कर दिया जाता है, सब कर दिया जाता है, जहाँ पे कि अपने जो रीको होती है वो उसको बोल रही होती है एक कुरुको इधर बैठो मेरे बगल में, और उसके कंधे पे हाथ रखे बोलती है चिंता मत करो तुम्हें दोबारा अंदर सब कर दिया जाएगा बड़े ही जल्दी, और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद अपने जो कुरुको होता है उसको दोबारा से सब कर दिया जाता है अंदर, और वहीं पे सभी लोग सोच रहे थे ये लोग पागल हो गए क्या, अभी जस्ट तो इसको निकाला था दोबारा क्यों डाल रहे हैं, और तभी हमें दिखाया था जो बॉल होता है वो अपने कुरुको के पास होता है, फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहां पे जो रीको होती है वो कुरुको को बता रही होती है हम तुमको फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट के 3 मिनट में डालेंगे अंदर, ठीक है, जहां पे जाके उनको तुम्हें डिस्ट्रॉय करने थे एकदम बुरी तरीके से, जहां पे तुम्हें अपने लाइफ के लिए बैटल करना पड़ेगा अंदर जाके, और वहीं पे जो उसके टीममेट्स होते हैं वो उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, मगर जब तक तो उसकी पावर वापस नहीं आ जाती उनको अच्छे से सपोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है अपने जो कुरुको होता है वो वैनिशिंग ड्राइव इस्तेमाल करता है, जहाँ पे वो एकदम गायब होकर आगे निकलने ही वाला होता है, मगर वो जो बंदा होता है वो उसको देख सकता है तो इसकी वजह से वो उसको रोकने में कामयाब होता है, मगर तभी तक में अपने जो कुरुको होता है वो फैंटम शॉट इस्तेमाल कर लेता है, मगर वहीं पे जो वो बंदा होता है वो फैंटम शॉट भी रोक देता है, फिर जो बॉल होता है वो राकुजान वालों के पास चला जाता है, और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं बास्केट करने के लिए, जहाँ पे कि हायामा के पास बॉल होता है और वो उछल के बास्केट करने वाला होता है, पीछे से कागमी आ जाता है और बॉल के ऊपर हाथ मार देता है, जहाँ पे कि जो बॉल होता है वो बाहर आ ही जाता है, मगर तभी तक में जो उसके टीममेट्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं और बास्केट कर देते हैं, जिसको देख के अपना कागमी तो खुश बिल्कुल भी नहीं रहता, और फिर धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं सेरिन वालों से और उनका जो स्कोर होता है वो भी बढ़ने लगता है, फिर तभी जो बॉल होता है वो रिबाउंड की तरफ आता है और वहीं पे जो राकुजान वाले होते हैं वो लोग लेने वाले होते, मगर तभी तक में अपना टेप पे आ जाता है और बॉल लेके अपने ह्यूगा को पास कर देता है, जहाँ पे कि जो ह्यूगा होता है वो बैक स्टेप लेता है और जाके बास्केट कर देता है, और वहीं पे वो उनके बोलता है कि तुम हमें अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, और इसी के साथ जो पहला क्वार्टर होता है वो खत्म होता है और जो स्कोर होता है वो एकदम इक्वल होता है 21-21। जो रीको होती है वो सबको बता रही होती है काफी अच्छा खेल रहे हो तुम लोग, हमारा जो स्कोर है वो इक्वल है, मगर हम ये 3 मिनट्स में अपने कुरुको का जो एबिलिटी है उसको ठीक नहीं कर पाए हैं, और वहीं पे कुरुको को अभी थोड़ी देर तक और बैठना पड़ेगा बेंच पे, और जब तक हम लोग उसकी एबिलिटी ठीक नहीं कर सकते, और वहीं पे अपने जो कागमी होता है वो देखता है कि जो कुरुको है वो थोड़ा सा उदास होता है, उसको चेयर अप करने की कोशिश करता है और बोलता है कि हे चिंता मत करो हम लोग तुम्हारे पास इसके बिना कैसे ये गेम जीत पाएंगे, तुम देखना दोबारा से पास करोगे हमें एकदम अच्छी तरीके से जैसे पहले करते थे, वैसे भी जब हमें पता नहीं था कि तुम हमारे लिए यूजलेस हो तभी तो तुम हमें पास कर रहे थे, और वहीं पे ये वाला मोटिवेशन सुन के ना अपने जो कुरुको होता है वो बोलता है भाई तुम मोटिवेशन नहीं करा था ज्यादा अच्छा है, फिर जो कुरुको है वो भी एकदम अच्छे से बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी मोटिवेशन के लिए थैंक्स, और मैं देखना जरूर वापस कोर्ट पे जरूर आऊंगा, और वहीं पे जो राकुजान के जो मेंबर्स होते हैं जो उसके कोच होता है वो उसको समझा रहे होते हैं जो हमारा प्लान है उसके साथ हम लोग स्टिक रहेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अपने जो सभी लोग होते हैं वो लोग कोर्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पे कि अपने जो अमिन होता है वो मुमई को बोल रहा होता है क्या तुम उस नंबर 5 के प्लेयर के बारे में कुछ बता सकते हो, और वहीं पे अपनी जो मुमई होती है वो किताब निकालती है और उसके बारे में पढ़ के बताती है और बोल रही होती है ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा एवरेज प्लेयर है, इसके जो स्पीड और एबिलिटी है सब कुछ एवरेज, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, और वहीं पे जो अमिन होता है वो बोलते अच्छा
तो मैंने जो स्टोरी सुना था वो एकदम सही है, और वहीं पे हमें दिखाया जाता है, और वहीं पे जो बॉल होता है वो अपने एजिकी के पास होता है, और जो आकाशी होता है वो बॉल के ऊपर हाथ मार देता है, जिसकी वजह से जो बॉल होता है वो अपने टेपे के पास जाने वाला होता है, मगर तभी तक में अचानक से जो वो नंबर 5 वाला प्लेयर होता है वो आ जाता है बीच में और मिस डायरेक्शन इस्तेमाल कर देता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं, भाई ये कैसे मिस डायरेक्शन इस्तेमाल कर पा रहा है। तभी जो इजिकी होता है वो बोलता है तुम्हारे पास भी एक कुरुको है, और वहीं पे आकाशी बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं है, मगर ये जो बंदा है ये अपने जो कुरुको है उससे भी काफी ज्यादा अच्छा है, जो कुरुको है वो एक ओल्ड मॉडल है और मायोजुमी उससे भी एक बेटर वर्जन है, जहाँ पे जो अब मायोजुमी है वो फैंटम 6 प्लेयर है। और फिर हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो आकाशी होता है वो मायोजुमी के पास जाता है और बोलता है कि हे मैं आकाशी हूँ, और वहीं पे वो बोलता है कि वैसे लोग मुझे ज्यादातर पहचानते नहीं है, वो मेरे बारे में भूल जाते हैं, मगर तुम मेरे पास कैसे आए हो, और वहीं पे वो बताता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे एक इंसान को जानता हूँ जो कि हमारे साथ था, और वो है फैंटम 6 प्लेयर, और वो बोलता है कि मैं तो सुना था वो र्यूमर है, क्या वो असली में है, और वहीं पे वो बताता है हाँ, और वहीं पे वो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ वो मेरा फैंटम 6 प्लेयर बनना चाहोगे राघोजान के लिए, और वहीं पे वो बोलता है नहीं नहीं मैं वो सब पास वास करना पसंद नहीं करता, मेरे को ऐसा चाहिए जिससे मुझे खेल के खुशी मिले, और वहीं पे आकाशी जो होता है वो चेंज हो जाता है, और वहीं पे उसको ये चीज फील होता है मायोजुमी को कि ऐसा लग रहा है कि वो एकदम से बदल गया, और वहीं पे आकाशी बोलता है तुम्हारी इस चीज की वजह से अब मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारे अंदर, और मैं रात में तो फैंटम 6 प्लेयर बनो। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रेसिंग सीन जहाँ पे कि मायोजुमी पास करता है, और वहीं पे जो बॉल होता है उसके टीममेट के पास चला जाता है और वो उछल के बास्केट कर देता है, और वहीं पे अभी सीन वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा मायोजुमी है क्योंकि वो फैंटम 6 प्लेयर बन चुका है और वो एकदम कुरुको के जैसे पास कर सकता है। और फिर बेंच पे बैठे वाले सीरीन प्लेयर्स बोल रहे होते हैं क्यों ना हम लोग कुरुको को दोबारा अंदर डाल दे, क्योंकि उसको पता है मिस डायरेक्शन और कब वो क्या क्या करने वाला है, तो वो उसको आराम से रोक सकते हैं, मगर वहीं पे रिको मना कर देती है और बोल रही होती है ये हमारे और भी बड़ा खतरा हो जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो म्यूजुमी होता है वो दोबारा से पास करने वाला होता है, मगर तभी तक में मीतो भी उसके सामने आता है और उसको आराम से रोक सकता था, मगर तभी वो बोलता है अगर मैं पास नहीं कर सकता तो ठीक है मैं शूट करूंगा, और वहीं पे वो बॉल पकड़ के बास्केट कर देता है, और कागिमी अपने मन में सोच रहा होता है ये पास भी कर सकता है साथ ही साथ शूट भी कर सकता है कैसा प्लेयर है भाई ये। फिर जो रिको होती है वो बता रही होती है अगर हमने कुरुको को अंदर डाल भी देना तो वो सिर्फ मिस डायरेक्शन रोक सकता है, और वहीं पे अगर वो 1-on-1 आया ना तो वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकता, और वहीं पे मायोजुमी जो होता है वो उसको देखते हुए जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है देखो मैं तुम्हारा एक बेटर वर्जन हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, और वहीं पे वो देखता है कि अपने जो कुरुको होता है वो उसको एकदम काफी अच्छे तरीके से घूर रहा होता है, और वहीं पे वो सोचता है नहीं नहीं ये मेरे को घूर नहीं रहा ये मेरे को स्टडी कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है अब ये सीरीन वाले होते हैं वो एक बंदे को सब करते हैं, और सभी लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं भाई किसको सब कर रहे हैं ये लोग, और वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना फुरी हरा होता है उसको अंदर सब कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो फुरी हरा होता है वो तो भाई पूरा कांप रहा होता है और उसकी फट के चार होती है, मगर फिर भी वो बोल रहा होता है ब्रिंग इट ऑन, और वहीं पे सभी लोग बोल रहे थे भाई इसको अभी क्यों डाल रहे हैं, और सभी लोग परेशान होते हैं भाई इसको डाल के ये लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे, मगर क्या फर्क पड़ता है ये लोग ऐसे भी अभी पीछे चल रहे हैं, और वहीं पे अपने जो फुरी हरा होता है वो बोलता है मैं तुम्हें रोकूंगा, और तभी वो जमीन पे गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो फुरी हरा होता है वो आकाशी के सामने होता है, और वहीं पे आकाशी जी होता है उसे कटा के आगे निकल जाता है, और सभी बोल रहे होते हैं अरे उससे कटा के आगे निकल गया, और अमीनो बोल रहा था ये तो ऑब्वियस था भाई वो उसे आराम से कटा सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आकाशी होता है वो अंदर जाता है, और तभी तक में अपना अकादमी जाता है उसको रोकने के लिए, और तभी अपना जो फुरी हरा होता है वो मायोजुमी के पास चला जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग समझ जाते हैं कि जो आकाशी है वो अब क्रॉस ओवर नहीं कर सकता, यानी अपना एम्परर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इनफ रूम नहीं है, इसको ऐसा समझो कि जो एम्परर आया है और जो क्रॉस ओवर है उसको इस्तेमाल करने के लिए ना तो आसपास में कोई लोग नहीं होना चाहिए, एक आराम सा फ्री स्पेस होना चाहिए, बट उसके आसपास अभी बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से वो क्रॉस ओवर नहीं कर सकता और पूरा एम्परर इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसी वजह से जो सीरीन वाले हैं उन्होंने कागमी को आगे भेजा है ताकि वो उसको आराम से रोक सके। और वहीं पे अपना जो आकाशी होता है वो स्टेप बैक लेता है और फिर अचानक से आगे निकल जाता है, और वहीं पे सभी लोग बोल रहे हैं वो मतलब अपने एम्परर इस्तेमाल तो नहीं कर सकता मगर वो उससे कटा के तो आगे तो निकल सकता है ना, और वहीं पे वो उछल के खाली बॉल छोड़ देता है बास्केट के लिए, और वहीं पे अपना जो कागमी होता है वो भी उछल जाता है उसको रोकने के लिए, मगर तभी हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो कागमी के हाथ पर लग जाता है, और जो अपने सीरीन और जो राघोजान वाले होते हैं वो एकदम रेडी होते हैं रिबाउंड लेने के लिए, मगर तभी तक में हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो बास्केट हो जाता है। और वहीं पे सभी लोग ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं कि जो रिको है वो फर्स्ट ईयर वालों को लेके ये वाला गेम जीतने की कोशिश कर रही है, और जो मायोजुमी होता है वो फुरीहारा को सोच रहा होता है अरे ये हमारे लिए थ्रेट नहीं क्योंकि इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, ये खाली अपनी टीम को सपोर्ट करने आया है, इसलिए वो उसके ऊपर से नजर हटा लेता है, और तभी जो अपने टेपे होते हैं वो
फुरी हारा को बॉल पास करता है और जो फुरी हारा होता है वो उछल के बास्केट कर देता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं, भाई ये क्या हो गया, मैं इसको छोड़ के गया मगर फिर भी ये बास्केट कर दिया। और वहीं पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फुरी हारा ने बास्केट भी कर दिया। फिर फुरी हारा और जो आकाशी होते हैं वो दोनों आमने सामने होते हैं और जो आकाशी होते हैं वो क्रॉस ओवर करके फुरी हारा को नीचे गिरा देता है और वहीं पर वो बास्केट कर देता है बड़ी आराम से। और तभी जो राहुजान वाले होते हैं वो लोग टाइम आउट लेते हैं, जहाँ पे उसका जो कोच होता है वो बता रहा होता है कि देखो आकाशी है उसको, मतलब वो लोग हार्म तो कर रहे हैं मगर उतना ज़्यादा नहीं, तो उस वो हमारे लिए थ्रेट नहीं है, मगर फिर भी हमें जो है अब अटैक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो फुरी हारा होता है वो बेंच पे गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचा रहता है, क्योंकि वो अभी आकाशी के सामने खड़ा था और उसका जो पूरा स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो चुका होता है। और वहीं पर जो रिको होती है वो उसको बोलती है तुम्हें अभी बैठना पड़ेगा, प्लीज़ मेरी बात मान लो, और वहीं पर वो मना कर रहा होता है और बोल रहा था मेरे पास अभी स्ट्रेंथ है, मगर फिर भी वो उसको मना कर देती है। और तभी हिरोशी बोलता है मैं उसके बदले जाऊंगा, मुझे खाली आकाशी के सामने रहना है ना और उसको रोकने की कोशिश करना है ना, बस इतना ही ना, उतना तो मैं भी कर सकता हूँ। और वहीं पे जो युगा बोलता है कि चलो ठीक है तब हो गया था, और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। और वहीं पे जो रिको होती है वो बताती है कि मेक श्योर कि तुम लोग जो गैप है वो कम करो, और वहीं पे जो हिरोशी होता है वो बोलते हैं गैप करने का मतलब, और वहीं पे वो बताता है कि देखो हमें ना सिर्फ 3 pointers करने हैं। और वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना फुरीहारा होता है वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है और रो रहा होता है और बोल रहा था मैं टीम के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे बस इतना करना है कि मुझे और ज्यादा स्ट्रांग रहना है ताकि मैं कोर्ट पे और लंबे समय तक टिक पाऊं। और वहीं पे जो कुरुको होता है वो बोलता है मी टू, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑडियंस में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जो सेरिन वाले हैं वो अब 3 करने वाले हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपना ऑफेंस अच्छा करने के लिए। और वहीं पे कुछ लोग और भी बात कर रहे थे और बोल रहे होते हैं कि जो राघुजान वाले वो भी 3 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब बैटल होगा 3s के बीच में। और वहीं पे जो बॉल होता है वो राघुजान के पैर के पास होता है, जो रियो होता है उसके पास बॉल होता है, और वहीं पे वो पीछे से हटता है और उछल के एकदम बास्केट कर देता है, जिसको देख के अपने हिगा अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई इसका जो शॉट है ये काफी अच्छा है, एकदम क्लीन लगता है, मगर फिर भी मैं अभी ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये सब सोचने का टाइम नहीं मेरे पास। फिर हिगा के पास बॉल आता है और वहीं पे वो पीछे जाता है और एकदम बास्केट कर देता है 3-pointer, और फिर लगातार वो लोग 3-pointer 3-pointer किए जा रहे होते हैं बास्केट, और दोनों टीम रुक नहीं रहे होते हैं बास्केट करने से। और वहीं पे जो बॉल होता है वो रियो के पास होता है और रियो बताता है हे मैं तुम्हें एक और नया शॉट दिखाता हूँ। और तभी कोई एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जो रियो है वो 3 types के शॉट्स कर सकता है, फर्स्ट हेवन और सेकेंड अर्थ, जहाँ पे कि जो हेवन होता है वो एकदम उछल के बास्केट करता है और जो अर्थ होता है वो एकदम पास आता है प्लेयर के पास और फिर बास्केट करता है, और जो थर्ड वाला है वो ऐसा शॉट है जिसके ऊपर जो बंदा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, और इसी वही होता है जहाँ पे कि जो अपना हिगा होता है वो उछलने की कोशिश तो करता है मगर वो उछल नहीं पाता और अपना जो रियो होता है वो बास्केट कर देता है। और हिगा अपने मन में सोच रहा होता है कहीं मैं हिप्नोटाइज तो नहीं हो गया, और फिर वो सोचता है मैं क्या सब सोच रहा हूँ, और तभी उसके पास बॉल होता है और वहीं पर वो जाता है आगे बास्केट करने के लिए, मगर रियो आ जाता है बीच में और वो उसको कहीं जाने नहीं दे रहा होता है, और तभी जो अपना हिगा होता है वो उसके पैर से पास कर देता है और उसके पैर के बीच से निकाल देता है, जहाँ पे कि वो बॉल जो है वो अपने टेपे के पास चला जाता है, जहाँ पे जो टेपे होता है वो उछल के बास्केट करने वाला होता है मगर फिर वो कागिमी को पास कर देता है, जहाँ पे कागिमी उछल के बास्केट कर देता है। और फिर वहीं पे सभी लोग बता रहे होते हैं हिगा को ये काफ़ी अच्छा मूव था, और तभी हमें दिखाया जाता है कि रियो होता है वो आकाशी को बोल रहा होता है हे आकाशी मेरे को पास करना है, मेरे को इसको कुछ बताना है, और तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो रियो होता है वो फेक करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक अर्थ का शॉट करता है जहाँ पे कि वो उससे टकरा जाता है गलती से और वहीं पे वो बास्केट भी कर देता है, और जो हिगा होता है उसका फाउल भी होता है, जहाँ पे कि रेफरी कॉल करता है और बोलता है कि इनको एक फ्री शॉट मिलेगा, जहाँ पे कि अपने जो रियो होता है वो बड़े ही आराम से बास्केट कर देता है, मगर वहीं पे जो हिगा होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है और गुस्सा हो जाता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, और वहीं पे उसका टीममेट उसको शांत करने की कोशिश करता है, मगर वहीं पे वो बोल रहा था मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है मैं समझ गया हूँ, और वहीं पे ये बात अपना इजी की देखता है। तभी टेपे आता है और बोलता है कि ए तुम बॉल जो है ना मेरे को पास करते जाओ, मेरा भी मूड कर रहा है कि मैं जाके बास्केट करता जाऊँ, और वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो टेपे होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उसको पीछे करने में, मगर वहीं पे वो जो बंदा होता है वो पीछे जा ही नहीं रहा और ज़्यादा हैवी लग रहा होता है, और तभी जो बॉल होता है वो उसके पास आता है और वहीं पे वो चल के बास्केट करने वाला होता है, मगर तभी वो बंदा उसको रोक देता है और बॉल बाहर चला जाता है और उसको बोलता है कि हे देखा मैं तुम्हें रोक दिया, क्योंकि एक टाइम पे था जब तुमने मुझे हराया था और वहीं पे तुमने मेरे को बोला था अपने जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करो, स्ट्रांग तो कोई भी बन सकता है, और वहीं पे मैंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया और तुम्हें आज देखो कैसे हरा रहा हूँ। और वहीं पे वो उसको चैलेंज देता है और अपना जो हिगा होता है वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बोलता है ठीक है स्ट्रेंथ की बात है तो मैं ज़रूर आऊँगा, और वहीं पे अपना जो हिगा होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है उसको रोकने में, और वहीं पे जो वो बंदा होता है वो बार बार हर चीज़ में मसल स्ट्रेंथ मसल ये मसल वो
को कर रहा होता है, जिसकी वजह से सभी लोग को अनोइंग लग रहा होता है ये चीज़ कि हर जगह पे मसल मसल करना ज़रूरी है और वहीं पे मगर फिर भी वो बास्केट कर रहा होता है, उसको रोक रहा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है राकुजान वालों के लिए। बट वहीं पर एक टाइम आता है जब अपना जो टेपे होता है वो उछल जाता है बास्केट करने के लिए, मगर फिर भी उसको फोर्सफुली अपने टीममेट को पास करना पड़ता है क्योंकि उसके पास और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची होती है कि वो उछल के बास्केट कर सके। मगर तभी वो जो बंदा होता है वो बास्केट कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो हयामा होता है उसके पास बॉल होता है और वहीं पे वो अपना फोर फिंगर इस्तेमाल करता है ड्रिबल करने के लिए और वहीं पे कागिनी समझ आता है ये अपनी चार उंगलियों का इस्तेमाल करे ड्रिबल करने के लिए और तभी वो एक क्रॉस ओवर करता है और जाके बास्केट कर देता है। और वहीं पर जो बॉल होता है वो इज़िकी के पास होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हम लोग इसके आगे नहीं जा सकते, क्या हमारे पास इतना ही स्ट्रेंथ था, ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वहीं पर जो आकाशी होता है वो एकदम मॉन्स्टर लग रहा होता है और उसको कोई भी उससे आगे जा ही नहीं पा रहा होता। और तभी जो इज़िकी होता है वो अपने टीममेट के पास पास करता है, मगर वहीं पे वो उस ध्यान नहीं दे रहा होता और उसके हाथ से बॉल बाहर चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका भी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका होता है और वहीं पे उसको सब कर दिया जाता है। और दोबारा से जो बंदा नया सब होता है वो भी फर्स्ट ईयर का होता है और सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्या सीरीन वालों के पास कोई नया प्लान नहीं है, लोग बार बार एक ही प्लेयर को क्यों डाल रहे हैं। और वहीं पर कोई तो बताता है कि सीरीन वाले के पास कोई प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते। और वहीं पर जो रिको होती है वो रो रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, मैं एकदम यूजलेस हूँ यहाँ पे। मगर फिर भी अपने जो कागमी होता है वो जैसे तैसे एक बास्केट करने में कामयाब हो जाता है, मगर कोई भी स्ट्रांग टीम के सामने कोई भी एक दो बास्केट तो कर ही लेगा, ये तो ऑब्वियस है। मगर देखने वाली बात है कि क्या सीरीन वाले यहाँ लास्ट तक टिक पाएंगे। और फिर तभी जो म्यूजियमी होता है वो समझ जाता है कि आकाशी आगे क्या करने वाला है और वहीं पर वो उसी टाइप का पास करता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है जो आकाशी होता है वो आगे निकल जाता है और वहीं पर वो आगे जाके एकदम उछल जाता है बास्केट करने के लिए जबकि उसके पास बॉल भी नहीं होता। और वहीं पे म्यूजियम में उसके पास बॉल पहुंच जाता है और वहीं पे आकाशी जो होता है वो बास्केट कर देता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं भाई ये तो भाई शो ऑफ कर रहा है सबके सामने कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और तभी आकाशी नीचे आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है ये मतलब कोई बड़ा प्लेयर कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं कभी भी कर सकता हूँ जब मेरा मन चाहे। और वहीं पर अभी सिचुएशन ऐसा है कि जो सीरीन है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुकी है और वहीं पर कुरुको ने अपना लैक ऑफ प्रेजेंस भी खो चुका है और वो वापस दोबारा नहीं आ सकता, अगर आ भी गया ना तो वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा और यहाँ पे मिरेकल्स होते नहीं है, अगर मिरेकल हो भी गया ना तो उनके पास कोई भी चांस नहीं है ये वाला गेम जीतने का। और इसी के साथ ये वाला जो क्वार्टर होता है ख़त्म हो जाता है और वहीं पे फिर दोबारा नया क्वार्टर स्टार्ट होने का अनाउंस हो जाता है जहाँ पे कि जो रिको होती है वो अपने मन में सोच रही होती है सब कुछ तुम्हारे ऊपर रहेगा और कागिमी तुम्हारे ऊपर भी। और वहीं पे जो सीरीन वाले होते हैं वो और जोर के साथ एकदम आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे कि अपने जो हिगा होता है वो चकमा दे के आगे आ जाता है जहाँ पे कि उसको मदद करता है उसका प्लेयर स्क्रीन बनने में और वहीं पे हिगा बॉल लेता है और एक थ्री मार देता है। और वहीं पे ऑडियंस में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि जो सीरीन वाले हैं उनका कितना कम परसेंट है जीतने का, एक सुई के बराबर, एक उस सुई के नोक के बराबर अपने जो सीरीन है उतना कम परसेंट चांस है उनका जीतने का, जहाँ पे कि जो अवमिनो होता है वो बताता है कि हाँ ये बात तो सच है कि उनका जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अगर वो लोग ने कुछ किया भी ना तो जो अपना आकाशी है उसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो सबका जो पोटेंशियल है उसको क्रश कर सकता है बड़ी आराम से। तभी हमें दिखाया जाता है जो रियो होता है वो हेवन शॉट लेता है जहाँ पे कि जो हिगा होता है वो उछल जाता है उसको रोकने के लिए, मगर तभी तक में जो हिगा होता है वो उससे टकरा जाता है और वो अपने मन में सोच जाता है ये कैसे हो सकता है, ये इसने हेवन शॉट को अर्थ शॉट में कैसे बदल दिया। और वहीं पे जो रेफरी होता है वो बोलता है कि ये फाउल है और वहीं पे हिगा को बोल रहा होता है कि हाथ उठाओ और वहीं पे जो हिगा होता है वो सोच रहा होता है भाई मैं उससे टकराया भी नहीं मगर किस बात का फाउल, उसकी गलती है। और वहीं पे वो बार बार आर्ग्यू कर रहा होता है और रिको भी बोल रही होती है आर्ग्यू मत करो हाथ उठा दो हाथ उठा दो, मगर वहीं पे जो हिगा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होता है और हाथ नहीं उठा रहा होता और बार बार उसकी गलती बता रहा होता है, मगर वहीं पे इसको एक और फाउल कंसीडर किया जाता है और इसी के साथ अभी हिगा के चार फाउल है और उसको सब करने का ऑर्डर दे दिया जाता है जहाँ पे कि जो हिगा होता है उसको सब कर दिया जाता है। और सभी टीम धीरे धीरे करके वो स्टेडियम छोड़ के जाने लगते हैं और सोच रहे होते हैं भाई अब तो सीरीन खत्म हो गई क्योंकि हिगा और कागिमी ही बचे हुए थे जो कि इस टीम को जिता सकते थे, मगर अब जो हिगा है वो भी बाहर हो चुका है, बस अब कागिमी के ऊपर सब कुछ है, मगर कागिमी भी क्या ही कर सकता है। और वहीं पे जो बॉल होता है वो कागिमी के पास होता है और अपना आकाशीप उसको बोल रहा होता है अब
खाली तुम बाकी हो, तुम्हें क्रश करना है और तुम्हारी जो टीम है वो खत्म हो जाएगी। और वहीं पे आकाशी उससे बॉल लेता है। अब जो अपना कागमी है उसके लिए वो जो जरून का दरवाजा है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि अब वो गिड़गिड़ाएगा अपने लिए बोलेगा कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। मगर फिर भी ये गेट उनके लिए नहीं खुलता जो कि उनके सामने गिड़गिड़ा है, ये उनके सामने खोलता है जो उसके लिए वर्दी होते हैं। और तभी रिको टाइम ब्रेक ले लेती है और इसी के साथ जो सीरीन वाले उनका जो लास्ट होप होता है वो भी खत्म हो चुका होता है और सभी के सभी टूट चुके होते हैं। सभी शांत बैठे हुए रहते हैं, भाई कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उनका सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पे। और तभी जो कुरुको होता है वो रोने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे करके आकाशी ने उससे पूछता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया क्या। और वहीं पे वो बोलता है हाँ, मगर फिर भी उसको ये अभी सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा होता है क्या सवाल का जवाब मिला, मैं उसको क्या जवाब दूँ, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है यहाँ पे। और वहीं पे वो कुछ ज़्यादा ही रोने लगता है और सबको बोल रहा है चलो प्लीज़ ये गेम जीतते हैं प्लीज़। और वहीं पे वो कोच के सामने गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि कोच प्लीज़ कुछ तो करो, मुझे अंदर जाने दो, मेरे को ये गेम जीतना है। और वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है सभी लोग हैरान होते हैं और वहीं पे अपना जो कुरुको होता है वो अंदर आ रहा होता है कोर्ट के। और तभी आकाशी कुरुको से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत सकते हो। और वहीं पे कुरुको बताता है मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा या कुछ भी होगा, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे को ये गेम खत्म करना है और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है तभी सीरीन वाले जैसे तैसे करके बास्केट करने में कामयाब हो जाते हैं और वहीं पे जो बॉल होता है वो मायाजुमी के पास होता है और उसके सामने कुरुको होता है। और मायाजुमी सोच रहा होता है मैं इसे तो बड़ी आराम से कटाके निकाल लूंगा और वहीं पे वो उसे कटाके आगे निकल भी जाता है और बास्केट करने के लिए वो चल जाता है। और तभी अपना कागी में जाता है और बॉल के ऊपर टैप मार देता है और बोल रहा है हाँ करके दिखाओ बास्केट। फिर सेरीन वाले बड़े ही आराम से बास्केट करने में कामयाब हो जाते हैं और वहीं पे स्कोर दिखाया जाता है जो कि स्कोर होता है वो 65 और 44 चल रहा होता है और बस थर्ड क्वार्टर का 8वां मिनट चल रहा होता है। तभी फिर से कुरुको और मायाजुमी एक साथ आ जाते हैं और वहीं पे मायाजुमी फिर से कटाके बास्केट कर देता है और तभी सभी लोग बात करने लगते हैं कैसे करके जो कुरुको है वो उसको रोक नहीं रहा क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी वो लोग बास्केट कर लेंगे, वो लोग स्ट्रांग है। और तभी ये बात अपने मायाजुमी को अच्छी नहीं लगती और वो सोच रहा होता है ऐसे ट्रैश को मेरे सामने रखा है मेरे को रोकने के लिए ताकि मैं उसके डर से किसी को पास कर दूं या शूट नहीं करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और वहीं पे वो फिर से बास्केट कर देता है और मायाजुमी कुरुको को बोलता है तू मुझे मिलियंस ईयर्स में भी नहीं हार सकते। और तभी अपना जो कागमी होता है वो बास्केट कर देता है और वहीं पे अपना जो कुरुको होता है वो मायाजुमी को बोलता है किसी ने मुझे कहा था कि अगर कोई तुम्हारे जैसा है ना तो तुम्हें हराने में और ज़्यादा आसानी होता है। और वहीं पे अपना जो कुरुको होता है वो बोलता है कि मैं फैंटम सिक्स प्लेयर था और रहूंगा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो कुरुको होता है वो उसकी नज़रों से अचानक गायब हो जाता है और चला जाता है बॉल के पास और वहीं पे जो बॉल ले लेता है। और तभी सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इसके पावर्स वापस आ गए, ये कैसे कर रहा है ये सब। और वहीं पे अपना जो कुरुको होता है वो बॉल लेके आगे जा रहा होता है और उसके सामने जो प्लेयर होता है वो सोच रहा होता है कि अभी ये वैनिशिंग ड्राइव इस्तेमाल करेगा। और वहीं पे जो कुरुको होता है वो बॉल पीछे पास कर देता है जहाँ पे कि जो कागमी होता है वो बॉल लेके उछल के एकदम बास्केट कर देता है। और फिर से मायाजुमी और कुरुको आमने सामने होते हैं और वहीं पे मायाजुमी सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, इसकी पावर वापस कैसे आ सकती है, ऐसा थोड़ी ना ये कभी भी अपने लैक ऑफ प्रेजेंस वापस ला सकता है, चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और वहीं पे तभी वो समझता है कहीं इसने मेरे को ओवरराइड तो नहीं कर लिया। और वहीं पे हमें बताया जाता है कि अगर मान लो एक छोटा सा लाइट है और वहीं पे उसके बगल में एक और बड़ा सा लाइट होगा तो मतलब उसका जो वो लाइट है वो एकदम कमज़ोर पड़ने लगेगा। सेम ट्रिक यहाँ पे भी अपने कुरुको ने इस्तेमाल किया है कि उसकी जो सारी एबिलिटी है उसको ऑब्जर्व करके अपनी रोशनी को और ज़्यादा बढ़ा लिया है। और वहीं पे जो मायाजुमी होता है वो अपने टीममेट को पास कर देता है जहाँ पे कि जो जो बंदा होता है वो बॉल लेके बास्केट करता है मगर जो बॉल होता है वो रिबाउंड की तरफ आ जाता है और वहीं पे जो टेपे होता है वो बॉल ले लेता है। बट फिर भी इतना काफ़ी नहीं है कि कुरुको अपने लैक ऑफ प्रेजेंस वापस ले भी आएगा ना, तभी बहुत सारे पावर्स चाहिए आकाशी को हराने के लिए। और वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है जो आकाशी होता है वो बीच से बॉल ले लेता है जबकि अपने सीरीन वाले एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं और वहीं पे वो बॉल लेके आगे बढ़ जाता है। और तभी अपना कागमी आ जाता है बीच में और अपने मन में सोच रहा होता है जब कुरुको इतनी सारी एफर्ट्स लगा सकता है अपनी टीम को जिताने के लिए तो मैं क्यों नहीं। और वहीं पे थैंक्स कुरुको, तुमने हमारे सबके अंदर होप जगा दी है कि वो लोग जीत सकते हैं। और तभी अपने जो कागमी होता है वो दोबारा से जोन में आ जाता है और वहीं पे राकुजान वाले बोलते हैं इससे कोई भी फायदा नहीं, वो
जोन में आग भी गया तो क्या हो गया, फर्स्ट हाफ में देखा नहीं क्या हुआ, और वहीं पे सभी लोग बोल रहे थे फर्स्ट हाफ की मां की चूत, हमें फर्क नहीं पड़ता अभी क्या होने वाला है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपने जो कागमी होता है वो अपने आकाशी के बहुत पास होता है और फिर धीरे धीरे करके और पीछे जाने लगता है, और आकाशी सोच रहा होता है भाई ये क्या कर रहा है, पीछे कैसे जा रहा है। तभी सभी लोग बात कर रहे होते हैं जो कागमी है वो कैसे रोकेगा उसको, वो इतना पीछे जा चुका है। और वहीं पे जो अवमिनी होता है वो बताता है कि जो कागमी है वो और ज्यादा डीप जा चुका है जोन के अंदर, और वहीं पे वो बोलता है मतलब डीप कैसे होता है, और वहीं पे अवमिनी बताता है कि डीप माने कि वो और अंदर जा चुका है, जिसकी वजह से जो अब कागमी है वो एक वाइल्ड बीस्ट बन चुका है। और वहीं पे जो अपना आकाशी होता है वो अपने टीममेट को पास कर देता है, उसके जो टीममेट होता है वो बास्केट कर देता है। और वहीं पे जो मायाजुमी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि कुरुको ने मेरे को ओवरराइड कर लिया है तो इसका मतलब मैं किसी को पास नहीं कर पाऊंगा और मैं अब यूजलेस होने वाला हूँ थोड़ी देर में। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है उसके पास बॉल होता है और कुरुको उसके सामने होता है, और वहीं पे वो सोच रहा होता है मैं किसी को भी पास नहीं कर सकता क्योंकि सभी लोग कवर्ड हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं एक ही जगह खड़े रहूंगा और ड्रिबल करता रहूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अचानक अपने आप आगे आ जाता है और वो सोचता है मैं आगे कैसे आया, और वो शूट भी करने लगता है जहाँ पे कि वो बॉल थ्रो कर देता है, और तभी बीच में अपना कागमी आ जाता है और बॉल के ऊपर एकदम थप्पड़ मार देता है। और वहीं पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि अब जो मायाजुमी है वो कोई भी काम का नहीं है, और जो अपना कुरुको है वो दोबारा से जोन में जाने लगा है, मतलब शेडो में जाने लगा है जहाँ पे कि वो दोबारा से सब कुछ अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है। और वहीं पे बस एक ही डिफरेंस रहता है कुरुको और मायाजुमी में, और वो ये है कि जो कुरुको है वो कभी भी होप नहीं खोता कि वो हार जाएगा ऐसा कुछ, वो हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करता है और इसी की वजह से वो अपने वापिस से शेडो में आ सका है। और वहीं पर अपना जो कुरुको होता है वो फिर से मिरेकल पासिस करने लगता है, और वहीं पर अपने जो सीरीन वाले होते हैं वो बड़ी आराम से बास्केट कर रहे होते हैं। तभी राकुजान वाले टाइम आउट लेते हैं जहाँ पे कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे करके सीरीन वापस से अपने फॉर्म में आ रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात तो नहीं है हमारे लिए। और वहीं पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि मायाजुमी को दोबारा सब कर देंगे, और वही मायाजुमी अपने मन में सोच रहा होता है जब तक ये लोग मेरे को यूज़ कर सके, इन्होंने यूज़ कर दिया अब ये लोग मेरे को सब कर देंगे, वैसे भी मैं इनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता तो मुझे सब होना ही पड़ेगा। और वहीं पे तभी आकाशी उसके सामने जाता है और उसको देख रहा होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है जो रिको होती है वो उनको बोल रही होती है कि चलो सब लोग अपने अपने स्ट्रेंथ जो है वो दोबारा से गेन कर लो, बट बगल में जो हिगा होता है वो बड़बड़ा होता है और बोल रहा होता है मैंने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और वहीं पे जो टेपे होता है वो बोलता है अरे पागल इतना मत सोचो, माना कि टेक्निकल फॉल की वजह से तुम यहाँ पे बैठे हो मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, हमें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे थ्रीज की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसलिए आ जाओ कम ऑन। और वहीं पे जो शिनजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है अंदर जाने के लिए और बोल रहा होता है चलो हम उसको दिखा देते हैं, और वहीं पे दोबारा से टाइम हो जाता है अंदर आने का। बट तभी हमें दिखाया जाता है जो मायाजुमी होता है उसको सब नहीं किया जाता, वो दोबारा से खेल रहा होता है अंदर में, और ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं इसको बाहर क्यों नहीं किया, अब इसके पास क्या टैलेंट बाकी है कि आकाशी ने इसको एक और चांस दिया। जो मायाजुमी है उसको ऐसे ही ट्रेन किया गया है कि वो खाली मिसडायरेक्शन कर सकता है और ये सब, वो अपना लैक ऑफ प्रेजेंस नहीं कर सकता कंट्रोल क्योंकि उसको इसका कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए अपना कुरुको यहाँ पे आगे निकल चुका है। मगर वहीं पे अपना जो आकाशी होता है वो इसको इसलिए चांस देता है क्योंकि उसमें एक और थोड़ा सा टैलेंट बाकी रहता है। और वहीं पे आकाशी और कागमी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और जो बॉल होता है वो आकाशी के पास होता है, और वहीं पे मायाजुमी बगल में आता है और वहीं पे उसका जो ध्यान होता है कागमी का वो मायाजुमी के पास चला जाता है, और तभी वो देखता है कि आकाशी के पास बॉल नहीं है और वो अपने दूसरे टीममेट को पास कर देता है जहाँ पे कि उसका टीममेट बास्केट कर देता है। और यहीं पे बताया जाता है कि जो आकाशी है वो उसका ओवरफ्लो यूज कर रहा है, यानी कि वो कागमी का ध्यान कहीं और भटका दे रहा है और फिर किसी और को पास कर देता है, ये मायाजुमी नहीं है जो अपना ओवरफ्लो इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं पे यहाँ पे सिर्फ अपना आकाशी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके और उसका ध्यान भटका रहा है और कुछ नहीं। फिर बॉल आकाशी के पास होता है जहाँ पे कि वो मायाजुमी को बॉल पास करने वाला होता है, मगर तभी तक में अपना कागमी आ जाता है उसको रोकने के लिए, मगर वहीं पे अपना जो आकाशी होता है वो अपने टीममेट को पास करता है जहाँ पे कि वही बंदा होता है जो कि मसल कर रहा होता है कब से, और वहीं पे वो दोबारा से बोलने लगता है मसल ड्रिबल, और ड्रिबल करते करते जाता है और बास्केट कर देता है। और वहीं पे सभी लोग बात करने लगते हैं कैसे करके जो मायाजुमी है उसका यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा वाहियात है क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए क्योंकि आकाशी चाहता है कि वो यहाँ पे रहे और उसका फायदा उठाए कि वो बास्केट कर सके। आप ही सोचो आपके साथ कोई ऐसा कर रहा होता है तो क्या आप खेलना भी पसंद करते हैं वहाँ पे? और उसके बाद जो कुरुको होता है वो अपने टीममेट को पास करता है जहाँ पे उसका जो टीममेट होता है वो बास्केट कर देता है आराम से, और वहीं पे स्कोर हमें दिखाया था जहाँ पे स्कोर होता है वो 76 और 56 हो रहा होता है। फिर कोतारो और इजी के एक दूसरे के आमने सामने होते हैं जहाँ पे कोतारो बता रहा होता है तुम्हारे तो मैं 3 ही फिंगर काफी है बट कोई बात नहीं तुम्हें मैं 4 फिंगर से हराऊंगा। और वहीं पे अपने जो कोतारो होता है वो अपने 4 फिंगर से ड्रिबल करता है जहाँ पे कि वो
जैसे ही ड्रिबल करता है वो आगे निकल तो जाता है, मगर तभी अचानक से वो देखता है कि अपना जो इजी होता है वो भी आ चुका होता है, और वो सोच रहा था मैं इसको पास क्यों नहीं कर पा रहा, और वहीं पर वो समझ आता है कि ईगल आई की वजह से मैं इसको पास नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो बंदा वहीं पर हंसने लगता है जोर जोर से, और फिर इजी को बताता है कि हे मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझा था, मगर कोई बात नहीं अब मैं तुम्हें अपनी पाँचों उंगली से ड्रिबल करके दिखाऊंगा। और वहीं पर वो जब अपनी पाँचों उंगलियों को बॉल के ऊपर लगाता है तो वहीं पर इजी को अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसकी पावर वो काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं पर वो अपनी पाँचों उंगलियों से ड्रिबल करता है, जहाँ पर कि वो एकदम एक झटके में वहाँ से निकल जाता है। और तभी तक में अपना जो इजी होता है वो बॉल को छूने ही जा रहा होता है अपने ईगल आई की मदद से, मगर तभी तक में वो दूसरा ड्रिबल भी कर देता है और जाके एकदम बास्केट करने वाला होता है, मगर तभी अपना टेप पे आया था, मगर टेप पे भी कुछ नहीं कर सकता था इस बीच में, और वहीं पर वो बास्केट कर देता है। वहीं पर जो अपना इजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा फील कर रहा था और सोच रहा होता है भाई मेरे को एक सामने मॉन्स्टर मिला है जिसको रोकने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा सोच भी नहीं सकता मैं, और वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा कागमी जैसे एक्ट कर रहा होता है। और वहीं पे गोतरो आकाशी से बोलता है हे आकाशी जितने भी बॉल्स हैं ना सभी मुझे पास करते रहना, मुझे उनको क्रश करना है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोतरो और इजी दोनों फिर से आमने सामने होते हैं, तभी गोतरो फिर से ड्रिबल करते हुए आगे निकल जाता है, और इस बार अपने इजी ने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया, उसको रोकने के बजाय उसको समझने की कोशिश की, उसको स्टडी करने की कोशिश की। और वहीं पे जो गोतरो होता है वो फिर से बास्केट कर देता है जो कि नॉर्मल सी बात है, और वहीं पे कुरुको उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना, और वहीं पे वो बोलता है हाँ हाँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने जो इजी होता है वो फिर से आ जाता है उसको रोकने के लिए, और वहीं पे वो बोलता है तुम जितना भी कोशिश कर लो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, और तभी वो ड्रिबल करते हुए आगे निकल जाता है। और वहीं पे तभी अपना कुरुको आ जाता है उसको रोकने के लिए, जहाँ पे कि वो उसे बॉल लेने वाला होता है, मगर तभी तक में जो गोतरो होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रेडिक्ट कर लिया था, मुझे पता है तुम यहाँ पे आने वाले। और वहीं पे वो फिर से घूम के चला जाता है बास्केट करने के लिए, जहाँ पे कि वो दोबारा से जैसे ड्रिबल करता है तभी अपना इजी अपना ईगल आई इस्तेमाल करता है, जहाँ पे वो बॉल को छूने वाला होता है, मगर फिर भी जो कुत्रो का इंस्टिंक्ट होता है इतना ज़्यादा अच्छा होता है, उसके रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो बॉल ले लेता है और एकदम बास्केट करने के लिए उछल जाता है। मगर तभी तक में इजी बताता है देखो तुम आगे डेंजर जोन में, और वहीं पे कुत्रो बास्केट करने के लिए उछल जाता है, मगर तभी तक में अपना जो गागमी होता है वो आ जाता है और बॉल के ऊपर टैप मार देता है। उसके बाद जो कुरुको होता है वो अपने शिंजी को पास कर देता है, जहाँ पे जो शिंजी होता है वो बॉल लेके जाके बास्केट करने वाला होता है, मगर तभी तक में इजी उसको बोलता है इधर पास करो अपने लेफ्ट साइड में, और वहीं पे वो पास कर देता है, मगर तभी तक में पीछे से जो राकुजान का बंदा होता है वो आ जाता है उसको रोकने के लिए, मगर वहीं पे वो बोलता है बच गया मैं अभी वरना मेरे से बॉल ले लेता। और उसके बाद जो इजी होता है वो उछल के बास्केट करने वाला होता है, मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कोतरो होता है वो आ जाता है उसको रोकने के लिए, मगर जो इजी होता है उसका ये प्लान नहीं होता कि वो जाके बास्केट करेगा, उसका खाली प्लान होता है वो बॉल को हवा में छोड़ देगा। और वहीं पे तभी अपना कागमी आ जाता है और बॉल लेता है और बास्केट कर देता है। वहीं पे कोतरो सोच रहा होता है अपने मन में कि जो इजी है वो अपने ईगल आई का इस्तेमाल करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ले रहा और पूरे कोर्ट के ऊपर निगरानी रखा हुआ है। तभी सभी सेरीन वाले सबको कवर कर चुके होते हैं, जहाँ पे कि जो अपना कोतरो होता है वो सोच रहा था भाई किसको पास करूँ, वहाँ पे सभी लोग ने सबको कवर करके रखा है। और तभी उसको एक बंदा दिखता है जो कि अपना होता है माइजूमी, उसको वो पास करता है, और वहीं पे सभी लोग सोच रहे भाई इसने इसको क्यों पास कर दिया, और माइजूमी सोच रहे तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर किसने निगरानी करके रखा हुआ है। और वहीं पे तभी अपना कुरुको आ जाता है बीच से और बॉल ले लेता है और अपने कागमी को पास करके वो लोग बास्केट कर देते हैं दोबारा से। फिर जो कोतरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोच रहा होता है भाई ये सब क्यों हो रहा है, मैं एक तो बास्केट भी नहीं कर पाऊँ, वो लोग बार बार मेरे को रोक दे रहे हैं और वो लोग बास्केट के ऊपर बास्केट किए जा रहे हैं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। और वहीं पर वो थोड़ा अपना दिमाग शांत करता है और सोच रहा होता है भाई ये सब हो क्यों रहा है, ये किस कारण की वजह से हो रहा है। और फिर उसको मतलब सब कुछ रीज़न पता चल जाता है कि भाई उनको किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर अपना दिमाग शांत करके वो चला जाता है अपने आकाशी से माफ़ी मांगने के लिए, और फिर वो माफ़ी मांग के वो चला जाता है। और उसके बाद आकाशी जो होता है वो बॉल लेके आगे जा ही रहा होता है, मगर तभी तक में अपना कागमी आता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कैसे करके अपना आकाशी जोन के अंदर आए ताकि वो उससे बॉल ले सके। मगर तभी तक में जो कागमी होता है वो बताता है कि जोन के अंदर जाना ना मेरे लिए कुछ ऐसा है कि जैसे मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ और मैं खुद एक ब्रिक से पूरा भरा पड़ा हूँ और नीचे डूबता जा रहा हूँ धीरे धीरे, मगर फिर भी मैं जितना नीचे जाऊँ ना उतने ज़्यादा मेरे स्किल्स शार्प होंगे, उतने ज़्यादा पॉलिश हो जाएंगे, मगर फिर भी अभी जो ये जोन का पानी है वो और ज़्यादा गहरा है, मैं अभी तक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया हूँ। और वहीं पे वो और नीचे जा रहा होता, मगर तभी तक में सभी लोग बोल रहे थे डमैस कागमी। और वहीं पे जो आकाशी होता है वो जोन के अंदर एंटर कर भी चुका होता है, मगर तभी तक में अपना जो आकाशी होता है वो बास्केट कर देता है, और वहीं पे जो कागमी होता है वो उसको रोक भी नहीं पाता। और वहीं पे वो बताता है कि देखो तुम जोन के अंदर इतना ज़्यादा उलझ चुके थे कि तुमने सोचा ही नहीं कि कोई थ्री भी लेकर बास्केट कर सकता है, और ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा बेकार चॉइस था। फिर उसके बाद जो बॉल होता है वो रियो के पास होता है, उसके सामने शिंजी आ जाता है उसको रोकने के लिए, जहाँ पे कि ये कुछ ऐसा है जैसे कि जो रियो वो काफ़ी बड़ा शेर है, और वहीं पे जो
आपने सीन किया वो एक हाउस पेट का कैट है, इस लेवल का मतलब डिफरेंस है दोनों के बीच में। मगर फिर भी सिंजी उसके सामने उसको रोकने के लिए, और वहीं पे जो रियो होता है उसको थोड़ा बहुत लल्लू पल्लू समझ रहा होता है। मगर तभी तक में जो अपने सिंजी होता है वो उसके एकदम अचानक से पास में आ जाता है उसको रोकने के लिए। मगर तभी वो सोचता है नहीं नहीं मुझे उसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और वहीं पर वो बॉल लेता है और हेवन शॉट लेने की कोशिश करता है। मगर तभी अपना जो सिंजी होता है वो स्टेप बैक कर जाता है, और तभी सोच रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा समझदार है, और तभी वो हेवन शॉट लेता है जहाँ पे कि वो एकदम उछल जाता है और सोच रहा होता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है मेरे को अर्थ शॉट लेने से। और तभी शिंजी जो होता है वो एकदम पास आ जाता है और उछल जाता है बॉल रोकने के लिए। मगर तभी तक में जो रियो होता है उसने कुछ ज़्यादा ही बॉल को होल्ड करके रखा होता है और लेट से शॉट फेंकता है, जिसकी वजह से जो बॉल होता है वो बास्केट नहीं होता और वो बॉल बाहर आ जाता है। मगर तभी तक में जो उसका फ्रेंड होता है उसको बारे ही आराम से बास्केट कर देता है, और वहीं पर जो रियो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है भाई इसने रिएक्ट किया मेरे अर्थ और हेवन पर स्विच करने की वजह से, भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे सेरिन को अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो सेरिन वाले होते हैं वो बास्केट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जो कुरुको होता है वो टेपे को बॉल पास करते हैं, जहाँ पे जो टेपे होते हैं वो उछल के बास्केट करने वाला था। मगर तभी उसको रोकने के लिए वो बंदा आया था, और वहीं पे तभी अपना जो टेपे होता है वो बॉल फेंक देता है ऊपर में, जहाँ पे कि जो बोर्ड से बॉल टकरा के वापस आ रहा होता है, और तभी अपना जो कागमी होता है वो उछल के बास्केट कर देता है। फिर नेबुया टेपे को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, मगर तभी तक में शिंजी आता है और बोलता है कि ए टेपे देखो आराम से खेलो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, तुम भी मजे करो यहाँ पे। और वहीं पे वो बोलता है थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। और उसके बाद सभी लोग बात कर रहे होते हैं कैसे करके जो अपने शिंजी है वो फर्स्ट ईयर होने के बाद भी उसके इंस्टिंक्ट्स और बाकी जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, वो काफी ज्यादा डिसेंट प्लेयर बन चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो अपने शिंजी और जो रियो होते हैं दोनों आमने सामने होते हैं फिर से, और वहीं पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं भाई ये पागल हो गया है दोबारा से क्यों चला गया है, ये वही बंदे ना जो सबों के अंदर आया है, ये तो मतलब उसको रोक भी नहीं सकता भाई, उसकी पावर्स काफी ज्यादा अलग है। और वहीं पे रियो होता है वो उसको बोलता है कि हे अगर तुम्हें पता चल भी ना कि मैं हेवन शॉट लूंगा कि अर्थ शॉट लूंगा तभी तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और वहीं पे अपने जो रियो होता है वो हेवन शॉट देता है जहाँ पे वो उछल जाता है, और तभी जो रियो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया था जहाँ पे कि वो अपने भाई बहनों को बता रहा होता है कि वो बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करेगा, जहाँ पे उसकी जो बहन होती है वो बार बार उसको बोल रही होती है तुम ना काफी ज्यादा अलग हो, क्योंकि तुम जितने भी स्पोर्ट्स ज्वाइन किए हो ना उसको कुछ महीने खेल के फिर तुमने छोड़ दिया, किसी को भी एक पकड़ के नहीं चले हो और आगे जाके फ्यूचर में उसको कभी भी नहीं खेले हो। और वहीं पे वो बोलती है कि अगर तुम्हें गेम में मजा चाहिए ना तो किसी एक गेम के साथ स्टिक रहो। और वहीं पे प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे जो शिंजी होता है यही सोच रहा होता है कि मुझे एक गेम के साथ स्टिक रहना चाहिए। और तभी वो बताता है जब से वो सेरिन ज्वाइन किया ना उसके बाद से बहुत कुछ हो चुका है और उसको खेलने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शिंजी होता है वो उछल जाता है उसको रोकने के लिए, मगर फिर भी जो रियो होता है वो उससे ज्यादा पावरफुल है तो वो बास्केट करने के लिए बॉल फेंक देता है, जहाँ पे जो बॉल होता है वो गोल 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 घूम रहा होता है और सभी लोग विश कर रहे होते हैं काश ये बाहर आ जाए बाहर आ जाए, बट जो बॉल होता है वो बास्केट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिंजी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है भाई ये मेरा लास्ट चांस था जो कि मेरे हाथों से निकल चुका है, अब मुझे अगली बार पक्का इसको रोक के रहना है। और वहीं पे जैसे ही वो रियो को देखता है वहाँ पे जो रियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, और वहीं पे जो रिको होती है वो बता रही होती है कि कैसे करके जो शिंजी है वो उसको कभी भी रोक नहीं पाएगा। पहली बात कि जो शिंजी है वो उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, और दूसरी बात कि जो उसने उसको सरप्राइज कर दिया जंप लेके, इसके बाद से ये उसका और पहला चांस था, अब वो कभी भी उसको रोक नहीं सकता। तभी बीच में ह्यूगा आ जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, उसकी वजह से ना मुझे समझ आ गया कि कैसे करके रियो का जो अर्थ शॉट और जो हेवन शॉट है ये दोनों कैसे रोकना है, मैं समझ चुका हूँ, अब ये है मैं इनको जरूर हरा के रहूंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला जो मतलब पूरा सीजन है खत्म तो नहीं हुआ, मगर इसके आगे के पार्ट्स मैं लाऊंगा, अभी ये काफी ज्यादा लंबा बन चुका है इसलिए मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर कुछ दिनों में जल्दी से वापस आऊंगा और आगे की स्टोरी बाद में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।